अनुभवक शिष्य और हम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से और हम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रति ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्य अमृत ग्रंथ राज के माध्यम से जो आन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का ये अध्याय चल रहा है उसमें कुछ अध्यात्म की बातों का भी दिग्दर्शन कराया जा रहा है। अध्यात्म का मतलब होता है अपनी मन की भीतरी चीज़ों से जुड़ी हुई संवेदनाएं या प्रवृत्तियां, वो सभी की सभी अध्यात्म में आते हैं। उसी अध्यात्म के अंतर्गत यहाँ पर अनेक तरह से आप लोगों के लिए आत्मा मन इंद्रिय आदि के बारे में बताया गया और उसी अध्यात्म के अंतर्गत एक और यहाँ पर बात कही जा रही है। हर किसी के भीतर कोई ना कोई इच्छा होती है और वह इच्छा भी समझ पाना अपने लिए अध्यात्म को समझना होता है, क्योंकि अध्यात्म हमारी भीतरी मानसिकताओं से चेष्टाओं से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर इच्छा की भी परिभाषा करते हुए कुछ कहा जा रहा है। आगामी क्रिया हेतु अभिलाषो व इच्छा, यहाँ इच्छा की परिभाषा करते हुए कहते हैं आगामी क्रियाओं के लिए जो हेतु होता है वह हेतु ही अभिलाषा कहलाती है और वह अभिलाषा का नाम ही इच्छा होता है। यानी इच्छा का संबंध अभिलाषा से है और जो अभिलाषा उत्पन्न होती है वो आगामी कोई भी क्रिया हम करना चाहते हैं उस क्रिया के लिए वह हेतुभूत होती है। अभिलाषा इच्छा किसी भी तरह की क्रिया के लिए कारण बनना ये अभिलाषा या इच्छा कहलाती है। ये इच्छा या अभिलाषा हम कोई भी क्रिया करना चाहते हैं उस क्रिया के लिए वह हेतुभूत होना चाहिए और वो होती भी है। तो ये हेतु कैसे बनती है इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं किसी भी तरह की हम कोई भी क्रिया करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं तो हर एक क्रिया के पीछे कुछ हेतु होता है, वही हमारी भीतर की अभिलाषा कहलाती है, उसी को हम इच्छा कहते हैं। यानी हर क्रिया इच्छा के साथ चलती है तो वह इच्छा भी भीतरी क्रिया के हेतु के माध्यम से उत्पन्न होती है। अब यह क्रिया हर इच्छा के साथ में जोड़ी जा सकती है।
आपके भीतर किसी भी तरह की कोई भी इच्छा उत्पन्न हुई तो आप विचार कर सकते हैं कि हम कोई ना कोई आगामी क्रिया करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये हेतु है। इच्छा का मतलब क्या हुआ? हम कोई आगामी क्रिया करना चाह रहे हैं और उस क्रिया के लिए हेतुभूत जो है उसी का नाम है इच्छा। अगर हम इस तरह से देखें तो हम हर क्रिया के पीछे अपने प्रयत्नों को या किसी भी तरह की अभिलाषा को हम समझ सकते हैं। मान लो आपके लिए भोजन करने की इच्छा होती है, तो ये भोजन करने की इच्छा अपने आप में आगामी जो हम क्रिया करना चाह रहे हैं भोजन के लिए, उस क्रिया का यह हेतु है। और उस क्रिया के अनुसार ही आपके अंदर वह इच्छा उत्पन्न होगी जो क्रिया आप आगे करना चाह रहे हैं। यानी इच्छा का सीधा संबंध हमारी आगामी क्रिया से है और उस क्रिया के लिए जो कारण है उसी का नाम इच्छा है। मतलब यह है, क्रिया करो उससे पहले आपको भीतर का कुछ कारण देखना होगा और वो कारण क्या है, तो वह आपकी इच्छा है। किसी भी तरह की क्रिया, आपके बोलने की क्रिया हो, भोजन की क्रिया हो, उठने की क्रिया हो, बैठने की क्रिया हो, उस क्रिया के लिए जो कारण बन रहा है उसी का नाम अभिलाषा है, उसी का नाम इच्छा है। ये इच्छा की परिभाषा समझ में आने से हम कुछ भीतर की ओर अपने अध्यात्म की ओर दृष्टिपात कर पाते हैं, ये इच्छा कहलाती है। तो आगामी किसी भी तरह की क्रिया करने से पहले आपके अंदर कोई ना कोई इच्छा जरूर जन्म लेती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम किसी भी तरह की क्रिया कर रहे हैं वो इच्छा के बिना नहीं हो रही। भोजन की क्रिया भोजन की इच्छा के साथ होती है, बोलने की क्रिया बोलने की इच्छा के साथ होती है, देखने की क्रिया देखने की इच्छा के साथ होती है और सुनने की क्रिया भी सुनने की इच्छा के साथ होती है। कोई भी क्रिया हो रही है माने भीतर उस संबंधी इच्छा आपके अंदर है, तब वह क्रिया उत्पन्न हो रही है। अब ये क्रिया आप कभी कभी इस तरह से भी कर देते हैं कि आपको पता नहीं रहता कि हमारे अंदर इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन वो क्रिया आपकी दिखाई दे जाती है। आप बोल पड़े एकदम से कोई चीज के लिए, बोल बैठे, बोल पड़े जिसको बोलते हैं, और एकदम से जब आप बोल बैठे तो बोलने के बाद में आपको समझ में आया कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या उस समय नहीं बोलना चाहिए था। ये बोलने की क्रिया आपके लिए बाद में हुई, लेकिन बोलने की इच्छा आपको पहले हो गई। कभी कभी क्रिया इतनी फास्ट होती है कि आपको अपनी इच्छा समझ नहीं आती है, क्रिया बाद में समझ आती है जब हो जाती है, क्रिया भी समझ में नहीं आती है। इसी का नाम है अध्यात्म। अपनी भीतर की जो भी टेंडेंसी है उनको समझना, इसी का नाम अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता जो आपने सुन रखा है कि भाई अध्यात्म का मतलब ध्यान लगाना है, कि अध्यात्म का मतलब कोई और आत्मा का ध्यान करना है, यही अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म का मतलब है भीतरी बातों को जानना, जो आपके भीतर घटित हो रहा है उसको समझना। तो आपके भीतर जब भी कोई बोलने की क्रिया हुई और वह बोलने की क्रिया भी सहसा हो गई, आप समझ नहीं पाए ये बोलने की क्रिया हो गई, बाद में आपको समझ आया कि हमने बोल दिया, यानी बोलना तो बहुत बड़ी क्रिया हो गई, बोलने से पहले जो आपकी इच्छा थी वही आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं समझने का मतलब है कि आप अपनी भीतरी इच्छाओं से भी बेखबर हैं और क्रियाओं से भी बेखबर हैं और आप करते जा रहे हैं कुछ ना कुछ जो आपके लिए करते बन रहा है। समझ में आ पा रहा है? ये इच्छा को समझना होता है। इच्छा को समझने के लिए आपको भीतर की क्रिया इच्छा के साथ हो रही है ये पहले जानना पड़ेगा।
तब जा करके आप उसके लिए समझ पाओगे कि ये क्रिया जो हमने की है ये इच्छा पूर्वक की है। बहुत सी क्रियाएं अनिच्छा पूर्वक भी होती हैं लेकिन वह भी इच्छा के साथ ही मानी जाती हैं, बिना इच्छा के कोई क्रिया नहीं होती है। मान लो आप बहुत थक गए, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, बैठे बैठे भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं लेट जाऊं, इच्छा है बैठने की लेकिन क्रिया हो रही है लेटने की, क्या कहोगे आप? लेटने की क्रिया कोई और कर रहा है और बैठने की क्रिया कोई और कर रहा है, दो चीजें अलग अलग तो नहीं है, करने वाला तो एक ही है। तो जब आपके लिए बैठने की क्रिया हो रही है तो उस समय पर आपको बैठना होगा, जब आपके लिए लेटने की क्रिया हो रही है तो वो लेटने की इच्छा के साथ ही हो रही है। ये भी आपके भीतर की वो इच्छा है, जो इच्छा उस क्रिया के माध्यम से व्यक्त हो रही है कि अब आपको लेटने की इच्छा है इसलिए आपने लेटने की क्रिया कर ली। यानी जब भी कभी आप कोई भी क्रिया करेंगे उसके भीतर उसके क्रिया का जो हेतु होगा वो आपके भीतर की इच्छा होगी, बिना इच्छा के कोई क्रिया नहीं होती है। इच्छा करो, शरीर की क्रियाएं भी इच्छा के साथ होती हैं। आप जिस तरीके की इच्छा या अभिलाषा करेंगे भीतर से आपके शरीर में उसी तरह की क्रियाएं होती हैं। आपके शरीर के अंदर अनेक तरह के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो केवल इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इच्छा से ही बनते हैं। अगर हम साइंस के अनुसार देखें तो आपके ब्रेन में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनते हैं और वो एंजाइम्स केवल आपकी इच्छा के अनुसार ही बनते हैं। हार्मोन्स बनते हैं, ऐसे केमिकल्स बनते हैं, ऐसी हार्मोन्स का स्राव होता है जो सिर्फ इच्छा के माध्यम से होता है। आपने इच्छा की, अपने आप आपके शरीर के अंदर वो द्रव उत्पन्न हो गया। आपका मुंह सूख रहा है, गर्मी के दिन है, इच्छा करो नींबू का पानी ठंडा ठंडा सिकंजी के रूप में हमारे सामने रखा है, समझ आ रहा है? अपने आप आपके मुंह में गीलापन आने लगेगा। कई लोगों के लिए एक ये भी समस्या होती है, लार नहीं बनना, यह भी एक रोग बन जाता है। लार बनना जरूरी है क्योंकि लार नहीं बनेगी तो भोजन पचेगा नहीं। भोजन की इच्छा भी लार से देखी जाती है और भोजन करने के लिए भी आपको लार की जरूरत होती है और भोजन को पचाने के लिए भी लार की जरूरत होती है। लार का बहुत बड़ा उपयोग है। लार एक ऐसा स्राव है जो सबको समझ में आता है, मुंह के अंदर हमेशा बना रहता है। अगर आपकी इच्छा कहीं ज्यादा तीव्र हो जाए तो फिर लार जो है पहले से भी टपक सकती है, समझ आ रहा है? इसलिए समझदार लोग अपने मुंह को समय पर खोलते हैं और समय पर ही उस लार का उपयोग करते हैं, यही समझदारी की बात होती है। तो इतना आपके अंदर कंट्रोल रहता है अपने मुख पर, अपनी लार पर, तब जाकर के वो लार जो है भीतर रह पाती है, नहीं तो बाहर निकल सकती है। सुन रहे हो? एक प्राणी होता है जिसे डीओजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डीओजी माने? अच्छा, इतनी देर में समझ में आ रहा। अच्छा, जीओजी नहीं, डीओजी। माइक की आवाज सही नहीं आ रही है? वो जब उसको सही सही सुनानी पड़, क्यों नहीं पड़ रहा फिर उसको? मैं डीओजी बोल रहा हूँ, वो जीओजी सुन रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्पीकर अभी ठीक नहीं चल रहा है ना। नहीं, कान खराब नहीं कह सकते, अभी बच्चों के कान कैसे खराब हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम और थोड़ा उसको स्वीट बनाओ उसको, है ना? जब डीओजी बोला गया है तो उसको डीओजी ही सुनने में आना चाहिए, है ना? अगर उसे डी और जी में डिफरेंस सुनने में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके लाउड स्पीकर ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मेरा तो सही काम कर रहा है। तो क्या बोला गया? डी ओ जी, आवाज आ रही है? डी डी,
डीओजी डॉग साहब, आप कभी भी देखोगे ये एक ऐसा प्राणी है इसकी लार हमेशा टपकती हुई आपको कभी भी दिखाई दे जाएगी। किस कारण से? ये हमेशा भोजन को देखने से पहले ही लार टपकाने लग जाता है, और कई बार ये इतनी लार इसलिए भी टपकाता है कि लोग समझ जाएं कि इसे कुछ खाने की इच्छा है। समझ में आ रहा है? लार उत्पन्न होना जरूरी है, लेकिन उस लार पर कंट्रोल जो होगा वो आपके माइंड से होता है, वो ब्रेन के सिस्टम से होता है। और वह कंट्रोल आप देखोगे, जब तक आपका वह कंट्रोल बना हुआ है तब तक आपका अपने शरीर पर कंट्रोल है, और जिस दिन आपका अपनी लार पर कंट्रोल न रहे समझने लग जाना अब आपका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, भले ही आप जबरदस्ती उसे कुछ भी ढके ले जाओ। क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला? जब तक आपका अपनी लार पर कंट्रोल है, इट मींस आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल है, आपका अपनी सेंसेस पर कंट्रोल है। और अगर आपका अपनी लार पर कंट्रोल नहीं है, इट मींस आपका अपनी बॉडी पर, अपने सेंसेस पर, अपनी थिंकिंग प्रोसेस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं बच रहा है। ये अब टाइम आ रहा है टू गो। किसका टाइम आ रहा है? समझ आ रहा है? आप मानो या ना मानो, ये एक सूचना मिलती है बहुत बड़ी, जो व्यक्ति के लिए बताने लग जाती है अगर आपकी लार अब मुंह से टपकने लगी है तो अब आप बाहरी पदार्थों में ज्यादा खाने की इच्छा न करें और अपने अंदर संयम भाव रखें, जिसके माध्यम से ही आपका परलोक सुधरेगा। ये भीतर की क्रिया और भीतर की इच्छा, ये दोनों चीजें हमें इस तरीके के शरीर के सिम्टम से देखने से समझ में आते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए लार बनती है वह व्यक्ति ही स्वस्थ कहलाता है, युवा कहलाता है। लार बनते रहना चाहिए, और लार का जितना अच्छा उपयोग आप भोजन में करोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अगर भोजन दिया जाता है और वह उस भोजन में लार का संयोग अच्छे से नहीं होता है और वह जल्दी जल्दी उस भोजन को कर जाते हैं, तो वही भोजन उनके लिए आंतों की बीमारियों का, कॉन्स्टिपेशन का और अनेक तरह की पेट की बीमारियों का कारण बन जाता है। भोजन मिलना जितना कठिन है, भोजन को चबा चबा करके खाना उतना ही कठिन है। ये कब होगा? जब आपका अपने भीतर की इच्छा पर कंट्रोल होगा। भूख लग रही है, भूख तो बहुत लग रही है, और सामग्री भी सामने है, अब कंट्रोल कहां किया जाए? बोलो। भूख भी भीतर है, सामग्री भी सामने है, खाने वाला भी तैयार है, अब कंट्रोल कहां करा जाए महाराज? अब कंट्रोल की बात क्यों? नहीं समझ आ रहा है? कंट्रोल तो था तभी तो मैं खा नहीं रहा था, अब जब खाने ही लग गया हूं तो अब कंट्रोल क्यों? समझ में आ रहा है? संयम कब रखा जाएगा? संयम कब कहा जाएगा? संयम किस बला का नाम है? अगर हम आपसे पूछे संयम किसे कहते हैं, संयम की सिंपल सी डेफिनेशन है सेल्फ कंट्रोल। क्या है? बस सेल्फ कंट्रोल। आपका अपने पर कंट्रोल होना जब शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, सब पर कंट्रोल हो जाएगा। आप देखोगे बच्चे का जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है तब तक उसके मुंह से भी लार बहती रहती है, माता पिता उसकी लार को बार बार पोंछते रहते हैं। उस समय पर उसका माइंड अभी जो है डेवलप नहीं हुआ है, और इसी कारण से उसका अपनी बॉडी पर, अपनी सेंसेस पर अभी कंट्रोल नहीं होता है, उसकी लार अभी टपकती है। ये बच्चे के देखने की बात है, वो कब तक लार टपका रहा है। जब उसकी लार टपकना बंद हो जाए, वह खुद अपनी लार को एडजस्ट करने लग जाए, वह खुद अपनी लार को
बाहर न निकलने दे, इस तरीके से अपने माइंड को काम करने लग जाए तो समझ लेना अब ये बच्चे में कुछ ग्रोथ हो रही है, मेंटल लेवल अब इसका बढ़ रहा है। सुन रहे हो, सबकी ठीक रहे ना लार, यहां पे तो नहीं टपक रही किसी की, मंदिर में नहीं टपकना चाहिए। अब अगर वही लार आप देखो एक समय गुजरने के बाद में फिर शुरू हो जाती है टपकना, जब जिसका बुढ़ापा आ जाए उसको उम्र से नहीं बांध सकते हैं, उम्र से नहीं बांध सकते इसको। किसी की उम्र जो है 80 साल में भी कंट्रोल रह सकती है लार ना निकले, और किसी के लिए 60 साल में भी निकल सकती है, ये कंट्रोलिंग की बात है। आप अगर अपने अंदर ये देखो कि हमारी लार अब हमारे लिए कंट्रोल में नहीं होती है, तो आप समझने लगना कि हमारे लिए अब वो समय आ रहा है जब हमें खाने पीने के बारे में अब ये विचार नहीं करना कि ये खाना कि वो खाना, अब हमें ये विचार करना है कि अब हमें नहीं खाना, कम से कम खाना। ये विचार करने का टाइम आ जाता है जब आपकी लार टपकने का टाइम फिर से शुरू हो जाए। जैसे बच्चे के लिए शुरुआत में भोजन करने के लिए ज्यादा नहीं दिया जाता है, ऐसे ही जब बड़ों की भी लार अपने आप टपकने लग जाए तो उन्हें भी ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, खुद अपने आप से सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहां से कोई बहुएं बेटियां सीख करके जाएं और बाबा जी से कहें, दादाजी से कहें, दादाजी अब खाना पीना बंद करो, लार टपकती रहती है आपकी। उससे पहले दादाजी खुद प्रवचन सुनकर के समझ लें कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये लोग प्रवचन सुनकर के आए हैं, अगर वह खुद अपने लिए कंट्रोल करने लग जाते हैं तो उनकी रेस्पेक्ट जो है बराबर बना रहता है। घर के लोग उनके लिए दादाजी कहकर के भी उन्हें अच्छे ढंग से जितनी परवरिश होनी चाहिए वो उनकी करते रहते हैं। ये आपके भीतर की जो कंट्रोलिंग है, ये जो श्राव है, ये जो श्राव का जिस तरीके से हमारे अंदर बहना होता है, ये सब बॉडी का सिस्टम तो है ही, लेकिन ये सारा सिस्टम हमारी इच्छा से जुड़ा हुआ है। इच्छा जब सही ढंग से होने लगेगी, इच्छा में जब शक्ति रहेगी, तो वह इच्छा की शक्ति के कारण से वह श्राव भी कंट्रोल्ड रहेगा। और जब इच्छा की शक्ति नहीं रही, केवल इच्छा रह गई, तो फिर वह श्राव होगा, इच्छा का कार्य नहीं होगा। सुन रहे हो, अब मैंने एक शब्द और जोड़ दिया इसके आगे, इच्छा शक्ति। लोग बहुत बोलते हैं ना इच्छा शक्ति होना चाहिए, कोई भी काम करो इच्छा शक्ति के साथ करो। इच्छा तो सबके अंदर पड़ी हुई है, अब ये इच्छा में शक्ति कहां से आ गई, अब इसको समझने की कोशिश करें। इस लार के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इच्छा और इच्छा शक्ति में क्या अंतर है। दादाजी की इच्छा तो है अच्छी अच्छी पकौड़ी मिले, भजिया मिले, गरम गरम चाय मिले, गरम गरम सब कुछ मिले, क्या है ये इच्छा है। इच्छा की जो शक्ति होनी चाहिए वो इच्छा शक्ति उनके अंदर अब वो नहीं है। शक्ति क्या काम करती है, उस इच्छा पर कंट्रोल करती है। आपको अपनी लार पर कंट्रोल नहीं, आपको अपने मुंह कब खुल रहा है इस पर कंट्रोल नहीं, आपके लिए कब बैठे बैठे नींद आ जाती इस पर कंट्रोल नहीं। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति अब काम करना कम कर रही है। ये क्या है, ये इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा की कमी नहीं है। इसलिए जीवन के अंत तक इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन जो इच्छा शक्ति का जो वास्तविक संबंध है, इच्छा शक्ति की जो वास्तविक परिभाषा होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। लोग इच्छा शक्ति का मतलब कुछ और समझते हैं, करने की इच्छा का नाम इच्छा शक्ति समझते हैं, कोई काम को जबरदस्ती जितनी ताकत के साथ किया जाए उसका नाम इच्छा शक्ति समझते हैं। ये इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति क्या है, इच्छा के साथ में जो हमारी शक्ति काम करती है, जिसके कारण से हम अपनी इच्छा को भी संयमित बनाए रख सकते हैं, उसका नाम है इच्छा शक्ति।
विल पावर भी अलग चीज हो जाती है। इच्छा शक्ति जो अभी हम शब्द बता रहे हैं, ये इसलिए बताया जा रहा है, इच्छा होते हुए भी आपकी शक्ति नहीं रहना, ये इच्छा शक्ति की कमी के कारण से आप वह कार्य नहीं कर सकते, सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। मैं इस सेंस में इच्छा शक्ति कह रहा हूं, समझ आ रहा है? माने इच्छा और शक्ति दोनों चीजें साथ में चल रही होती हैं, लेकिन एक उम्र पर जाने के बाद में आपको ये समझ आ सकता है कि अब हमारे भीतर इच्छा ही रह गई है, शक्ति नहीं रह गई है, वह इच्छा शक्ति की कमी कहलाती है। समझ आ रहा है? खाने की इच्छा, भोगने की इच्छा, इच्छा तो रह गई है, शक्ति नहीं रह गई। माने अब वो इच्छा के साथ में जो शक्ति थी उसकी कमी होने को इच्छा शक्ति, अब यहां पर कमी कहलाएगी इच्छा शक्ति की। अब उसको हम इच्छा शक्ति बहुत बड़ी हुई है यूं नहीं कहेंगे, इच्छा की शक्ति की कमी के कारण से आपके शरीर में आपका किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रहेगा, लेकिन आपकी इच्छा बराबर बनी रहेगी। तो वो शक्ति की कमी, उस इच्छा के साथ जुड़ी हुई उस शक्ति की कमी के कारण से ऐसा होता है। तो हर क्रिया आपके भीतर आपकी इच्छा से हो रही है। आप अगर बैठे बैठे अपना घुटना भी हिला रहे हैं, आपको पता नहीं पड़ रहा है कि आप अपना घुटना हिला रहे हैं। देखो, हिला के देख रही है? जब हम हिला के देख रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम ये देख रहे होते हैं कि हम इच्छा के अनुसार क्रिया कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारी क्रिया इच्छा के अनुरूप हो रही कि नहीं, तो हमें हिला करके देख रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, क्रिया हो रही होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम इच्छा कर रहे हैं कि हम इच्छा के साथ। कई बार घुटने नहीं हिलाते हैं लेकिन घुटना हिलता रहता है, बगल वाले को जब उससे परेशानी होती है तो वो रोकता है, भाई कंपन हो रहा है, आपको पता नहीं रहता। आप प्रवचन सुनने बैठे हैं, सुनते सुनते कब आप मुंह पे हाथ रख लेते हैं, कब आप अपनी दाढ़ी को खुजाने लग जाते हैं, कब आप है ना बार बार अपनी मूंछ पर हाथ लगा करके उसे सवारने लग जाते हैं, आपको पता नहीं रहता। लेकिन ये क्या है, ये कोई भी क्रिया बाहर हो रही है, ये भीतर की इच्छा के बिना नहीं हो रही है, ये समझना है। इसलिए अध्यात्म को जानने वालों के लिए कहा जाता है, मूलाचार आदि ग्रंथों में लिखा है, क्या सुन रहे हो, जो मुंडन होता है वो मुंडन केवल सिर मुंडन को ही मुंडन नहीं कहते हैं, पंचवी इंद्रिय मुंडा, वच मुंडा, हत्थ पाद मण मुंडा, दस मुंडेण विसैया, मण मुंडेण विसैया, दस मुंडा वन्निया समये। समय माने आगम में दस प्रकार के मुंडन कहे गए हैं, कितने, दस मुंडन। पंचवी इंद्रिय मुंडा, पांचों इंद्रियों का मुंडन करो, मुंडन माने हाँ इनसे जुड़ी हमारी जो इच्छा है उस इच्छा को पहचानो, उसको कंट्रोल करो, अभिलाषा को कंट्रोल करो, ये पांच इंद्रियों का मुंडन कहलाएगा, पंचवी इंद्री मुंडा। वच मुंडा, वचन का मुंडन करो, हत्थ पाद तन मुंडा, हाथों का मुंडन करो, हाथ कब हिल रहे हैं, कितने हिल रहे हैं पता है कि नहीं, पाद माने ये पैर घुटने कितने हिल रहे हैं, कब हिल रहे हैं, इन पे कंट्रोल करो, और तन माने अपने शरीर पर कंट्रोल करो, शरीर कब कितना कहां हिल रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं रहता, उनकी गर्दन हिलती रहती है कोई भी शरीर का अंग कभी भी हिलने लग जाता है, पता ही नहीं रहता है। अगर पता नहीं रह रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी भीतर की इच्छा के साथ जुड़ी हुई जो शक्ति है, जो कंट्रोलिंग पावर है, वो काम करना बंद कर रही है या कम हो रहा है। ये इच्छा के साथ होने वाली क्रिया थी, आप इसके साथ में अपनी शक्ति का अगर उपयोग करेंगे, सावधानी के साथ में क्रिया करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारी इच्छा पूर्वक होने वाली क्रिया है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर अंत में है मन मुंडन, मन मुंडेण विसैया, दस मुंडा वंडिया समय, दस प्रकार के मुंडन बताए गए हैं।
हो गए 10, पांच इंद्रियां, वचन बोलने पर भी कंट्रोल रखना है ना, कंट्रोल ऑफ स्पीच, ये वचन मुंडन कहलाता है। और हाथ का मुंडन, पैर का मुंडन, शरीर का मुंडन और अंत में मन का मुंडन, 10 चीजों पर कंट्रोल होगा तब आप पूर्णतया संयमी कहलाएंगे। हाथ पैर अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, समझ आ रहा है? क्योंकि शरीर में बहुत कुछ आ गया, हाथ पैर तो फिर भी आपके लिए अलग से काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं, काम उनको कंट्रोल आप अलग से कर सकते हो, लेकिन शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना हाथ पैर के भी अलग से काम चलती रहती हैं, ये भी एक कंट्रोलिंग होती है। आप किसी को देख रहे हो है ना, देखते देखते आपके लिए कितनी बार जो है हिलना हो गया, डुलना हो गया, कैसी एक्शन हो गई, ये सब शरीर का कंट्रोल है। नहीं, इंद्री अलग चीज हो गई, इंद्री का कंट्रोल माने वो केवल उस इंद्री के ऑब्जेक्ट से है, शरीर का कंट्रोल पूरे शरीर से है ना, माने आपका शरीर जो है आपके कंट्रोल में है कि नहीं, तो वो आपके शरीर के अंदर, जैसे मान लो किन्हीं लोगों के लिए मान लो यूरिन हो गई, समझ आ रहा है? अब वो उनके कंट्रोल में नहीं कभी भी हो सकती है, एक प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, ये रोग हो जाते हैं इस तरीके के। हाँ, तो ये क्या है, अब ये जो है शरीर के कंट्रोल की कमी है। जब तक आप स्वस्थ थे आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहता था, अब आप स्वस्थ नहीं है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रह रहा है। शरीर के मुंडन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आप बैठे हो, बैठे बैठे भी आपको एक स्थिति में बैठना, एक आसन में बैठना, और बैठे बैठे आप हिल गए, तो वो हिलना पैरों से ही नहीं होगा, वो शरीर से हिलना हो जाएगा, वो शरीर का कंट्रोल कहलाएगा। जैसे कि आपकी बैठे बैठे अपने आप कमर झुक गई, समझ आ रहा है? हाथ हाथ पे रखे हैं, पैर पैर पे ही रखे हैं और कमर यूं झुक गई। अब आपसे कहा जा रहा है कमर सीधी करो, ये शरीर का मुंडन है। पैर पैर पे ही रखे हैं, हाथ हाथ पे ही रखे हैं, फिर भी हम हिल रहे हैं, ये क्या है? ये शरीर का मुंडन नहीं है। क्या करना है? स्थिर रहो। शरीर के मुंडन का मतलब शरीर को स्थिर रखो। ये शरीर के मुंडन के अभ्यास से ही आपका शरीर स्थिर रहेगा। जो आसन पर बैठे हो आप आसन पर बैठे रहो, है ना? आसन पर बैठे बैठे आपके हाथ हिल रहे हैं, तो अभी आपके हाथ का मुंडन नहीं है, बाकी शरीर का मुंडन है, पैरों का मुंडन है, ठीक है ना? शरीर आपका स्थिर होते हुए भी हाथ स्थिर है, लेकिन आपके पैर हिल रहे हैं, पैर आप हिला रहे हो, नीचे पंजे हिला रहे हो, घुटने हिला रहे हो, तो ये आपके पैरों का मुंडन नहीं है, बाकी शरीर का मुंडन है। इसलिए पैर का मुंडन अलग है, हाथ का मुंडन अलग है और शरीर का मुंडन अलग है। शरीर में कई बार ऐसी अलग तलग तरह की क्रियाएं होती हैं, है ना? कई लोगों की आपने स्टाइल देखी होगी, बार बार बखौरे ऊपर करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये शरीर के मुंडन की कमी है। ये शरीर का मुंडन संभालना है। अब यूं कहो कि ये अपने आप हो जाता है, तो यहां ये कहा जा रहा है ये अपने आप नहीं हो रहा, ये आपकी इच्छा से हो रहा है। हाँ, अब अगर इस तरीके की क्रियाओं को आपको नियंत्रण करना है तो दुनिया में कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, ये स्पिरिचुअल साइंस काम आएगी। आप अपनी इच्छा को अगर समझ पाएंगे तो उन क्रियाओं को नियंत्रित कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम कब क्या कर रहे हैं, और वो जो हो रहा है वो बिना इच्छा के नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, आपकी तुरंत भाव भंगिमा अलग होती है, एक्शन अलग हो जाती है, और वह सब एक्शन अगर आपको पता नहीं है अपने आप हो रही है, तो सामने वाला तो समझ लेगा जिसने अध्यात्म पढ़ा है
जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा है, अब आप क्या कर रहे हो? मान लो कोई सामने वाला व्यक्ति आपके पास आया और उसी समय पर आप यूं करने लग गए, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। सामने वाला अगर अध्यात्म विद्या को पढ़ा होगा तो वो समझ लेगा, यार मेरे आते ही से चिंता में पड़ गए, मेरे आते ही से ये मुद्रा क्या बता रही है, आप उसके बारे में कुछ और सोच रहे हो। समझ आ रहा है? ये आंखें ही अलग बता रही हैं, भले ही आपको अपनी आंखें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है एक बॉडी लैंग्वेज नाम की एक अलग विद्या होती है, आर्ट होती है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, समझ आ रहा है? तो उसमें यही सब चीजें सिखाई जाती हैं, आपकी स्टाइल क्या है। अगर आप यूं बैठे किसी को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में कुछ और सोच रहे हो, कुछ और गलत सोच रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो उसके बारे में। ये लैंग्वेज आपकी बता रही है कुछ, आपके कुछ और गलत सोच रहे हो आपके बारे में। समझ आ रहा है? वो तो सामने वाला आपके पास आया बैठा देख रहा है और वो ये देख रहा है कि ये मेरे आते ही से इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई, अभी तक तो यूं बैठे थे आराम से और मेरे ही आते से यूं बैठ गए। समझ आ रहा है? ये मुद्रा अपने आप में एक सोच की मुद्रा होती है, चिंतन की भी हो सकती है, चिंता की भी हो सकती है। तो कभी भी बैठो तो सोच समझ के बैठना। जो कुछ नहीं जानते उनके सामने तो कैसे ही बैठ जाओ, लेकिन जब कभी बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो सब देखा जाता है। जहां पर पैनल बैठा होता है, इंटरव्यू लेने वाले बैठे होते हैं, वो सब देखते हैं आप किस स्टाइल में बैठ रहे हो, किस स्टाइल में आपके हाथ पैर चाम कर रहे हैं, किस स्टाइल में आप बात कर रहे हो, सब देखा जाता है। आ रहा समझ में? अभी भी लोगों के पैर हिल रहे हैं। ये जो कुछ भी होता है ये भीतर की इच्छा के बिना नहीं होता है। और इस इच्छा को देखो कितने अच्छे ढंग से समझना है, आगामी क्रिया का हेतु। आपके लिए तो वो क्रिया में आगामी मतलब टाइम गैप हो गया, उसमें फ्यूचर हो गया वो, और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। माने क्रिया हमारी इच्छा से भी ज्यादा आगे बढ़ रही है, हमें अपनी इच्छा भी पकड़ में नहीं आ रही है और कभी कभी क्रिया भी पकड़ में नहीं आ रही है, माने हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843740।